दिल्ली में आज सुबह से झमाझम बारिश हुई है और कई इलाकों में दिल्ली के बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाके जो हैं जलमग्न हो गए। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये यूसुफ और जो भिकाजी कामा प्लेस है उसका इलाका है। कई जगह पर बारिश भरी हुई है, बारिश की वजह से आप देखेंगे तालाब बना हुआ है। कई जो लोकेशन है, क्योंकि चौक है चौराहे के पास में, इस तरह से जो बारिश है उसकी वजह से कई वाहन भी खराब हुए हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे, क्योंकि जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, निकासी नहीं हो जाने होने की वजह से ये हालात बने हुए हैं। क्योंकि सुबह से लगभग 5 से 6 बजे के आसपास अचानक तेज बारिश हुई है और दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस इस वक्त डूबने लगा है। तस्वीरों में आप देखेंगे कनॉट प्लेस का आउटर सर्किल, जहां पर कई जगह पर इस तरह से जल भराव हुआ है और उसी वजह से वाहनों की रफ्तार थमी है। आप तस्वीरों में देखेंगे वाहनों के जो टायर हैं वो पूरी तरह से डूब रहे हैं और दूर तक आपको दिखाई देगा कई वाहन यहाँ से वापसी भी कर रहे हैं। दरअसल ये सब इसलिए क्योंकि दूर तक आपको दिखाई देगा, ये देखिए दूर तक आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे कि जो वाहन है वो डूबने लगे हैं। दरअसल जो पानी की निकासी नहीं हो रही है दिल्ली में, सुबह से झमाझम बारिश होने के बाद की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है, जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, सभी तरह की जो सड़कें हैं वो हाई टेक्निक से बनी होती है, लेकिन पानी के जलभराव के आगे सब नतमस्तक हैं। क्योंकि तस्वीरों में देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर पानी का जल भरा हुआ है, क्योंकि निकासी नहीं होने की वजह से इस तरह से पानी भरा हुआ है और ये सब स्थिति यहाँ पर है। कई वाहन यहाँ पर आने से पहले ही मुड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी कई वाहनों की रफ्तार यहाँ पर थम गई है, क्योंकि अमूमन गाड़ियाँ खराब होने का डर होता है और इसी वजह से ये ट्रैफिक अब धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है। क्योंकि कुछ देर पहले से ही लोगों ने अपने वाहनों को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया है, ताकि यहाँ पर इस जलभराव में उनके वाहन ना फंसे या वाहन खराब ना हो। लेकिन जो सुबह की तस्वीर है, क्योंकि सुबह लोग अपने ऑफिस को जाते हैं और कनॉट प्लेस से होते हुए कई जगह अलग अलग रूट पर लोग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से आना उनकी मजबूरी होती है। और लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि अगर बारिश कुछ देर और होती है तो यहाँ पर और बुरे हालात नजर आएंगे। Thank you.